और एक मैं बात बता दूं, एक दो नहीं 15-20-25 जितने हजरत के उस डीसीएम के अंदर मौजूद थे, जिस वक्त वो जनाजा शरीफ रखा गया और हजरत के सरहाने वो ताजिया शरीफ जो भी आप देख रहे थे आगे आगे चल रहा था, वो ताजिया शरीफ हजरत का जनाजा शरीफ रखा, उसके नीचे रख दिया और उसके बाद जब देखा तो एक मैं खुद गवाह, मशारिब मियां वो गवाह, फरमान मियां वो गवाह, बाकी 25-30 लोग वो गवाह, हजरत का जनाजा ऐसे उछल, हजरत का अल्लाह हू अकबर ऐसा उछल रहा जनाजा, मुझे लग रहा हजरत जलाल में क्यों है, समझ में नहीं आ रहा इतना जलाल क्यों फरमा रहे, जनाजा शरीफ उछल रहा है, ऐसा लगता उछल के बाहर आ जाएगा। फिर उसके बाद हम लोगों ने किया कि हजरत का वो गहवारा, वो पलंग पीछे किया और जनाजा शरीफ डीसीएम के नीचे रखा, डीसीएम की जो पतरा नीचे का होता उस पर पतरे पे रखा। मैं थोड़ी देर बैठा कि हजरत ख्वाब में आ गए, सुभान अल्लाह। उसी वक्त में जब पूछा रजा आवाज दू तुझको, मेरी आवाज से पहले तेरी आवाज आई है, हजरत ख्वाब में आए और हजरत ने फरमाया बेटा तुमने मेरे अल्लाह पैर ऊपर थे और इमाम अली मकाम का रोजा मेरे नीचे रख दिया तुमने, बेटा वो नीचे रोजा था इसलिए वो मुझे बर्दाश्त नहीं था। मैंने जैसे ही वो ख्वाब देखा उसी डीसीएम के अंदर मुशारिफ ने बगल में बैठे थे उनको बताया, ये शान माजूर है मेहनत की है और अपने दरवाजे के ऊपर अलजामिया तुम उसमतिया पर रोजा इमाम अली मकाम को रखकर सलाम किया, चले करे चलने वाले मरा करे मरने वाले, और जिसके दिल के अंदर अगर हवस छुट गया है और जिसके दिल के अंदर अगर खारिश छुट गया है तो अलजामिया की उसमतिया में ये फकीर मौजूद है, जब चाहे बात करने आ जाए। लाठी चलेगी सुन लिया, किस पे चलेगी,